नमस्कार, मुद्दा भारत का में आपका स्वागत है। इन दिनों ठाणे शहर में शिवसेना विरुद्ध शिवसेना का मामला सुर्खियों में है। ठाणे के श्रीनगर इलाके में पिछले दिनों एक कार्यक्रम में उद्धव की शिवसेना और एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना में हिंसक झड़प हुई। मामला श्रीनगर पुलिस स्टेशन पहुंच गया और आरोप है कि मुख्यमंत्री के दबाव में पुलिस शिंदे गुट के आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जबकि पुलिस उद्धव गुट के लोगों पर कार्रवाई कर रही है। उद्धव गुट की तरफ से यह भी आरोप लग रहा है कि पुलिस ने शिंदे के लोगों को बचाने के लिए CCTV भी आधा बंद कर दी थी, ताकि कोई सबूत शिंदे गुट के खिलाफ न मिल सके। दोनों पक्ष के नेता ठाणे पुलिस कमिश्नर जयदीप सिंह को लिखित शिकायत भी कर चुके हैं। शिंदे गुट की तरफ से नरेश मस्के व उद्धव गुट की तरफ से राजन बिचारे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। तो हा जमाव आम्ही शांत करण्याचा प्रयत्न करत असतानाच विचारे यांच्या बरोबर असलेल्या काही महिला आघाडी आणि पुरुषांनी जे काही समर्थक होते त्यांनी फेसबुकवर सोशल मीडियावर पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री आणि राज्य शासनाच्या विरोधात उपमुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात पोस्ट टाकायला सुरुवात केली। आम्ही पोलिसांना ते दाखवून दिलं, परंतु पोलिसांनी सुद्धा समज दिली, तरी सुद्धा त्यांचं ते वागणं त्याच पद्धतीत चालू होतं, त्यामुळे तो जमाव खूप भडकला, जमाव संतापजनक झाला आणि जमावाने घोषणा द्यायला सुरुवात केली। घोषणा द्यायला सुरुवात केल्यानंतर आम्ही जमावाला शांत करत त्या ठिकाणी प्रयत्न केला, परंतु त्यांचं सोशल मीडियावर पोस्ट टाकणं चालू होतं, त्यामुळे जमाव खूप आक्रमक झाला। तरीसुद्धा त्या लोकांना जे काही तक्रार करायला आले होते की 40 जण यांना बाहेर काढताना त्यांच्यातील काही कार्यकर्त्यांनी जमावाकडे हातवारे केले आणि तो जमाव जो आक्रमक होता तो आणखी आक्रमक बनण्याकरता प्रवृत्त केले, आम्ही त्यांना अडवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु जमाव घोषणा देत होता आणि त्याच वेळेला पोलिसांनी जमावाला शांत करण्याचं सोडून जी लोकं जमली होती त्या लोकांवर बेछूटपणे लाठीमार त्या ठिकाणी सुरू केला। मला वाटतं मास्टरमाइंड एकच आहे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या शहर में शिवसेना विरुद्ध शिवसेना का यह हिंसक रूप आगे बना रहेगा, क्योंकि आगे मुंबई के साथ साथ ठाणे मनपा का निकाय चुनाव है। इसके अलावा शिवसेना शाखा के कब्जे को लेकर भी लड़ाई छिड़ी हुई है। हालांकि ठाणे शहर में तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का ही पलड़ा भारी है तथा राज्य में उनकी सत्ता भी है, जाहिर है पुलिस पर उनका दबाव तो बना ही रहेगा। हमने इसी विषय पर धर्मराज पक्ष के जिला संगठक अजय जया से चर्चा की, जो घटना के दौरान पुलिस स्टेशन में मौजूद थे। नमस्कार, वंदे मातरम, मैं हूँ श्याम गिरी, आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। तो हम जो है उसी विषय पर जो है इस यहाँ पर बैठे हैं स्टूडियो में। हमारे साथ में हैं अजय जया जी, जो पुलिस स्टेशन में उसमें मौजूद थे, और उनका आरोप है कि वहाँ पुलिस स्टेशन में जो लाठीचार्ज हुआ, पुलिस स्टेशन में जो वारदात हुई, उसके लिए मुख्यमंत्री के लोगों को बचाने के लिए वहाँ पर CCTV कैमरे उस तरफ के बंद कर दिए गए थे जिस तरफ उनके लोग मौजूद थे। इतना गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने हमारे साथ में चर्चा की है, और हम उनसे जानेंगे विस्तार से कि आखिर में पूरा मसला क्या था, पॉलिटिशन में क्यों वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ, और शिवसेना विरुद्ध शिवसेना ये किसका इसमें षड्यंत्र था। ये षड्यंत्र सीधे सीधे नरेश मस्के जी ने पूरा प्लानिंग किया था, पुलिस स्टेशन को हाईजैक करने का उनका पूरा प्लान था। हम लोग वहाँ पे 10:30 बजे के आसपास पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने के लिए गए। कंप्लेंट करते वक्त आप देख सकते हैं ये कैबिन में हम सब बैठे हैं, ठीक है, राजन विचारे साहब है और बाकी जितने भी पदाधिकारी है वो लोग सब वहाँ पे पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक के कैबिन में बैठे हैं। यहाँ पे बैठने के बाद में हम लोगों को 10:30 बजे ये 11:30-11 बजे के आसपास हमारा स्टेटमेंट चालू था, तब यहाँ पे ये दत्ता फल्स के नाम का एक बंदा आया वहाँ पर और सबके पुलिस स्टेशन के सामने धमकी दिया है कि ये शिवसेना का जो अपना एकनाथ शिंदे जी का गढ़ है यहाँ से आप जिंदा कैसे बाहर जाते हो, आप लोग बाहर निकल के दिखाओ आपका हाथ पैर तोड़ देंगे। ये सबके सामने पुलिस स्टेशन में उसने धमकी दिया, तब हम लोगों ने पुलिस स्टेशन में उसके ऊपर FIR दर्ज कराए। पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करने के बाद में हमारा उनके साथ में बातचीत चालू था पुलिस वालों से कि बाहर जो लोग हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, पहले 50 लोग थे, फिर 100 हो गए, फिर 300 हो गए, फिर अभी 400-500 लोगों ने पूरा पुलिस स्टेशन को घेराव करके रखा हुआ है और नरेश मस्के जी आ रहे हैं जा रहे हैं और हमें धमकी दे रहे हैं, घोषणाबाजी दे रहे हैं और मीडिया से हमें बात करने को दे नहीं रहे हैं।
तो आप लोग हम लोगों को एक्स्ट्रा फोर्स मंगा लीजिए और हम लोगों के यहाँ से बाहर निकालने का प्रावधान कीजिए करके। तभी हमने एक चीज़ नोटिस किया कि हम जो कैबिन में बैठे हैं वो कैबिन और बाकी सब पुलिस स्टेशन का सीसीटीवी कैमरा चालू है, पर जहाँ पे वो लोग खड़े हैं वो पूरा सीसीटीवी कैमरा उन्होंने बंद किया है। अभी इसमें ये बात है कि कुछ दिनों पहले हम लोगों ने आरटीआई डालकर ये इन्फॉर्मेशन निकाला था कि पुलिस स्टेशन में सब कैमरा कितने लगे हुए हैं, कितने कैमरा चालू है, वर्किंग नॉन वर्किंग। पुलिस स्टेशन में 10 तारीख को ये लेटर दिया था कि वहाँ का सब पुलिस स्टेशन जितने भी है थाने के सबका सीसीटीवी कैमरा एक्टिवली चालू है जब से वो इंस्टॉल्ड हुआ है। तो उसी दिन 14 तारीख मतलब 4 दिन बाद वो बाकी के कैमरा कैसे बंद हुए, या तो बंद करवाए गए या स्क्रीन को उस दिन लॉक किया गया, इसका पीछे का रीज़न हम लोगों को अभी तक क्लियर नहीं है। और एक तरीके से उन्होंने क्या किया, पुलिस स्टेशन को पूरी तरह से हाईजैक किया। जब उनसे पुलिस ने पूछा किस क्यों आप कि उन्हें बाहर जाने देने रहे हैं, क्या प्रॉब्लम क्या है, तो उन्होंने कोई तो ऐसा एक रीज़न दिया कि कोई अंदर जो लोग हैं वो लोग पोस्टिंग कर रहे हैं सीएम के खिलाफ और डिप्यूटी सीएम के खिलाफ पोस्ट कर रहे हैं, इसके वजह से जो बाकी के लोग हैं वहाँ के वो एग्रेसिव हो रहे हैं और इसके वजह से हम लोग पब्लिक एग्रेसिव होने के वजह से बाहर जाने दे नहीं रही है। मतलब एक तरीके से उनको हमें मारना था या फिर हमें चोट पहुँचाने का उनका पूरा प्लानिंग था। तो हम पुलिस ने हमें बोला कि आप पोस्टिंग कर रहे, तो हमने पुलिस को बताया कि ऐसा कोई भी पोस्टिंग हमारे तरफ से हो नहीं रहा है, हम तो पुलिस स्टेशन के अंदर है और आपने हमें कोई भी वीडियो, हमें स्पेशली पुलिस ने कहा कुछ भी वीडियो शूटिंग आप की करो ही मत, ठीक है, आप फेसबुक लाइव भी मत कीजिए, हम लोग आपको क्लियरली यहाँ से बाहर निकालने का पूरा तैयारी करते हैं और प्रॉपर लेकर चले जाएंगे करके। जब हमें इंस्ट्रक्शन पुलिस ने दिया तो हमारे यहाँ से किसी ने भी वो पोस्टिंग किया ही नहीं। अब पहली बात तो ये है, अगर समझ लो अंदर 100 लोग है पुलिस स्टेशन के अंदर जो, तो हमने जो भी पोस्ट किया तो 2 मिनट में वायरल नहीं होगा कि और एग्रेसिव होगा, और हमें पता है कि ऐसा कोई पोस्टिंग हमारे यहाँ से कोई कर ही नहीं रहा है। लेकिन उन्हें कुछ तो रीज़न देना था ना कि क्यों हमें जाने नहीं दे रहे हैं, उनके पास रीज़न ही नहीं था। तो रीज़न कुछ तो पब्लिक को बताने के लिए कि बाबा वो लोग पोस्टिंग कर रहे हैं इसके लिए हम उन्हें बाहर जाने देंगे नहीं। उन्होंने अभद्र भाषा में गालियां देना शुरुआत की, घोषणाबाजी की, धमकी दिया हम लोगों को। और वहाँ से जैसे हम लोग दोनों के साथ में जब पुलिस बातचीत कर रहे हैं, पुलिस को ये चीज़ समझ में आ गया कि उनका इंटेंशन क्या है। ये सब घटना 10:30 से लेकर 3 बजे तक चलता रहा। उसके बाद में एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स आई, मतलब आप समझ लीजिए 3 से 4 घंटे तक पुलिस एक्स्ट्रा फोर्स भी नहीं है वहाँ पे अवेलेबल था। उसके बाद में 15-20 पुलिस थे और वो कुछ 500-600 लोग हमें जो दिख रहे थे, और उसके बाहर जो बिल्डिंग्स थे वो श्रीनगर पुलिस स्टेशन ऐसा है कि वहाँ से बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल है, एकदम गली के अंदर है और पूरा बिल्डिंग्स जो है वो बिल्डिंग्स के ऊपर सब लोग खड़े हैं। तो कुछ हमारे लोगों ने बताया कि उनके पास बॉटल्स है, वो बॉटल फेंकेंगे हमारे ऊपर, पूरा प्लानिंग करके आए हैं। और सबसे गंभीर बात ये है कि जो तड़ी पर गुंडे हैं, जिनको तड़ी पर ही हो चुकी है, वो सब है कोपरी के या दूसरे कोई बदलापुर के, वो लोग उस इलाके में आकर हमें पुलिस स्टेशन में धमकी दे रहे थे। ये उनका नरेश मस्के जी का ऐसा बोलना था कि उधर के विभाग के लोग हैं, जबकि हमने फोटोज और ये सब एविडेंस पुलिस स्टेशन में दिखाए कि हर जो बंदा वहाँ पे मोर देन 50-60% जो लोग थे वो बाहर से गुंडे लोगों को मंगाया गया था। गुंडे लोगों ने पुलिस स्टेशन को ही घेर के रखा था। और सिटिंग एमपी राजन विचारे, उनको तक उन्होंने घेर के रखा हुआ था। और लॉ एंड ऑर्डर, अभी हमारे साथ में भी कुछ लोग हैं पदाधिकारी हैं, वो भी एग्रेसिव हो सकते हैं, उनके तरफ से भी एग्रेसिवनेस चालू है। तो राजन विचारे साहब ने कहा कि पुलिस ने जैसा इंस्ट्रक्शन दिया है वैसा कोई भी वीडियोज आप मत ये किए, वैसा कोई कर भी नहीं रहा था। उसके बाद में उन्होंने कहा कि उन्हें घोषणाबाजी करने के लिए मनाई कीजिए, पुलिस उनको बोला, और हमारे यहाँ से कोई घोषणाबाजी कर ही नहीं रहा है। तो भी उन्होंने रात भर घोषणाबाजी चालू किया। कुछ वीडियोस आपको मैं आप दिखाओगे तो उसमें दिखेगा कि हम जो कैबिन में बैठे हैं उस कैबिन के खिड़की को ठोकते हुए उन्होंने धमकी दी, वो भी वीडियो हम लोगों ने लोगों के सामने रखा हुआ है। अब
रही बात हम लोग पोस्टिंग कर रहे हैं ऐसा उनका बोलना था, लेकिन जब ये घटना घट रही थी तब उनके समर्थक लोगों ने धमकी वाले पोस्ट फेसबुक में शेयर किया है, उसमें उन्होंने ये लिखा है, शिंदे साहब के विरुद्ध में उठने वाली हर आवाज़ को धड़ा, मराठी में है, धड़ा शिकवला जाईल, मग तो समोर कोणी असू द्या, ऐसा करके पोस्टिंग। एक तो वो गैरकानूनी पुलिस स्टेशन को घेराव करके गुंड लोगों ने पूरा पुलिस स्टेशन को हाईजैक किया है और वो पोस्ट भी कर रहे हैं। ये सब घटना इतना अचानक, मतलब एक अलग ही है, अपन 21st सेंचुरी में हैं और थाने जैसे सिटी में जहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं सबसे सेफ जगह है पुलिस स्टेशन, जहाँ पे कोई भी घटना घटने के बाद में अपन सबसे पहले इन्फॉर्म करने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं, अगर पुलिस स्टेशन ही आजकल हाईजैक हो जाएगा तो आप न्याय कहाँ मांगोगे? तो अजय जी आपका कहना है कि पुलिस स्टेशन में भी आप सुरक्षित नहीं हैं। एग्जैक्टली, पुलिस स्टेशन सर हमारे साथ में जो 15 पुलिस थे वो भी सिक्योर नहीं थे। अब नरेश मस्के जी उनके इंटरव्यू में कहते हैं, उनका जब वो उन्होंने ये बताया इसके बारे में, तो उन्होंने ऐसा बोला है कि सबसे पहले हम लोग जब बाहर निकल रहे थे, वीडियोस में आप देख सकते हो, जब बाहर निकल रहे थे तो सबसे पहले हमारे लोगों ने घोषणाबाजी शुरुआत की और हमने उनके ऊपर हाथापाई करने का कोशिश किया, तब पुलिस ने लाठीचार्ज उनके लोगों पर किया, जबकि हमने वीडियो में क्लियरली मार्किंग करके, वीडियो वायरल हो चुका है जिसमें क्लियर दिखता है कि सिद्धू अभंगे जो तड़ीपार हो चुका गुंडा है उसने सबसे पहले हाथ मारना कोशिश किया, उसने किसी हमारे कार्यकर्ता जो बाहर निकल रहे थे ना उनको मारने के लिए उसने हाथ ये किया, उसके बाद में उस पुलिस ने उसे हाथ लगाने की कोशिश की तो पुलिस के ऊपर भी उसने हाथ ये किया, उतना एक स्प्लिट ऑफ एक 4-5 सेकेंड में पुलिस ने तुरंत लाठीचार्ज किया, जबकि क्लियरली बात हो चुका था कि पुलिस इनको सबको साइड में रखेंगे और आप सीधे रास्ते से कुछ न कहते हुए, नज़र से नज़र न मिलाते हुए अपने रास्ते से सेफली आप निकल जाइए, वही हमने जो पुलिस ने हमें कहा गया वही हमने किया, लेकिन उनका प्लानिंग था जैसे बाहर आएंगे तो हम लोगों पे हाथ मारना है, तो उसने पहला हाथ उन्होंने मारने का कोशिश किया, इतने में पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लाठीचार्ज करने के बाद में पुलिस ने उनको थितर फितर किया और हम तो सेफली बाहर निकल चुके थे और हमारे कुछ लोग 15 लोग, मतलब हम लोग जितने लोग निकल रहे थे उसमें से 15 लोग हमारे वापस पुलिस स्टेशन में अटक गए जब लाठीचार्ज हो गया। उसके बाद में अभी आप देखिए उसके बाद की घटना इतना डेंजरस है कि लाठीचार्ज होने के बाद में सिद्धू अभंगे को पुलिस ने अपने ताबे में लिया, जितने भी वहाँ के नगर सेवक है जी थे, मतलब अभी तो नगर सेवक नहीं है, वो वापस आए, वो लाठीचार्ज करने वाले लोग वापस आए, पूरी भीड़ वापस आई और पुलिस के ऊपर गए, वो भी वीडियो है कि एक तरह से पुलिस ने लाठीचार्ज किया, तो हमेशा आपने देखा ना लाठीचार्ज किया तो लोग निकल जाते हैं, ये डबल फोर्स से वापस आए, पुलिस को फिर से उन लोगों ने हाईजैक किया और सिद्धू अभंगे को बाहर छोड़ो ये कहा गया, और इसमें नरेश मस्के वहाँ पर लीड रोल लेकर पुलिस से ये कह रहे हैं कि बाबा तुम नरेश ये सिद्धू अभंगे को छोड़ो और बाकी जो 15 लोग हैं वहाँ पे उनके ऊपर केसेस दर्ज करो। अरे जबकि वो लोग कंप्लेंट देने को आए थे वहाँ पर, उल्टा उनके ऊपर केस दर्ज करने के लिए, और उन उधर जिन लोगों ने ये दंगल फैलाने का कोशिश किया उनको जब पुलिस ने ताबे पे लिया उन्हें सीधा सीधा उन्होंने छुड़ा के ले लिया। क्या लगता है इसके पीछे मकसद क्या था उनका? मकसद सीधा था कि उन्हें अपना जो ताकत है ना गुंडागर्दी का ताकत, कि आवाज़ हमारे खिलाफ कोई भी उठाएंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वो एक एग्जांपल क्रिएट करना था, इसीलिए उन्होंने पहले वहाँ पे कुछ झगड़े हुए उनके, उसके बाद में पुलिस स्टेशन तक को उन्होंने ये दिखा दिया कि अब हमारे कब्जे में है। अब सबसे खतरनाक बात सर कि जो पुलिस स्टेशन में आप देखोगे जहाँ पे उन्होंने ये सब घटना किया, उसके बाद में उसी पुलिस स्टेशन में वो कुछ दिनों के बाद में वहाँ पे जाते हैं सिद्धू अभंगे और अपने जो वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक है उनके साथ में बैठते हैं, उनको फूल देते हैं जहाँ पे एक दिन पहले उसने दंगल किया था। तो मतलब पुलिस स्टेशन कंट्रोल किसका रह गया? गुंडा है वो, उसके ऊपर कितने सारे केसेस है और उनका एक गैंग है, और इतने बड़े गैंग होने के बावजूद वो लोग वहाँ पे पुलिस स्टेशन में बिना डरे आते हैं, और सपोर्ट किसका? अभी नरेश मस्के किसको सपोर्ट कर रहे थे?
उन गुंडों के गैंग को सपोर्ट कर रहे थे, ना कि पुलिस को। अब हमारा तो ठीक, हमारे ऊपर तो प्लानिंग ही था, लेकिन पुलिस पे भी तो हाँ, वो भी तो इंसान है, उनके ऊपर भी जानलेवा हमला हो सकता था उस दिन। अब सोचने वाली बात यह है कि जो पुलिस स्टेशन को एक्स्ट्रा फोर्स मंगाने के लिए 3 से 4 घंटा होता है, अगर आप कोई घर पे रहोगे और ऐसे गुंडे लोगों ने आपको घेर के रखा है, तो आप सोचिए ना आपको कितना वक्त लगेगा पुलिस वहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्स के साथ में पहुँचेगा। पुलिस वहाँ पे पहुँचेगा समझ लीजिए 5-10 लोग, लेकिन एक्स्ट्रा फोर्स के साथ में पहुँच के आपको सेफली बाहर निकालना रहेगा, कहीं पे भी आप, आपके बिल्डिंग में रहो, आपके सोसाइटी में रहो, आपके घर पे रहो। तो ये घटना पुलिस स्टेशन को हाईजैक कर रहा है, तो लोगों के नज़र में क्या है, ये शिवसेना और ये भी शिवसेना है, शिवसेना विरुद्ध शिवसेना। पर मेरा ये कहना है कि घटना जो घड़ी है ना, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मतलब पुलिस स्टेशन को जब हाईजैक हो रहा है, तो ये यूपी बिहार जैसा घटना अपने थाने में हो रहा है, महाराष्ट्र के अंदर हो रहा है। तो इसके ऊपर हर वो सामाजिक कार्यकर्ता जो भी पॉलिटिकली एक्टिव है या फिर अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट कहना पसंद करता है, उन लोगों ने इस बात पे गौर करना चाहिए। अभी तो ये कार्यक्रम के दौरान हुआ है, अभी तो आगे चुनाव है। अब तो चुनाव है, तो मुंबई मनपा चुनाव, थाने मनपा चुनाव है, तब क्या लगता है कि आप मुझे बता दीजिए, अभी एक उनके विभाग में सिर्फ कोई एक छोटा प्रोग्राम लेने तक वो लोगों ने ये नहीं किया, हिम्मत उन्होंने एक दिखाने का कोशिश किया कि तुम रैली नहीं निकाल सकते हो, तुम वहाँ पर आकर लोगों तक भी आप नहीं पहुँच सकते हो। उनका ऐसा कहना है कि ये हमारा विभाग है, तुम्हारा कैसे हो गया, लोगों का है जैसा, मतलब ऑपोजिशन का पूरा आवाज़ ही मिटा देना है। वो पिक्चरों में होता है ना, वो अभी तो इन्होंने पुलिस स्टेशन हाईजैक किया है, कल वोटिंग का बूथ भी हाईजैक करेंगे, इसमें कोई नई बात लगेगी नहीं। उस विभाग में लोग जो उनके खिलाफ उनको पसंद नहीं है, समझ लीजिए कोई काम वहाँ का, वो लोग आवाज़ भी नहीं उठा सकते, क्योंकि अगर वो शिंदेगढ़ के विरुद्ध में रहेगा तो तुरंत उनके घर, और वो लोग तो अनसेफ है, हम तो बाहर है, जो वहाँ पे किशन नगर और वो लोग हैं उनके पास तो चॉइस भी नहीं है, उनको तो बाय डिफॉल्ट लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर तुमने आवाज़ भी उठाया, जो बाहर से लोग वहाँ पे कार्यक्रम करने के लिए भी पहुँचेंगे या पुलिस स्टेशन में भी रहेंगे, उनके साथ में ये कर सकते हैं। उधर के लोग तो 24 घंटे टेररिज्म के अंडर रहते हैं ना, वैसे ही रहेगा। तो आगे होने वाली घटना तो और एग्रेसिव होगी, इन्हें एक एग्जांपल करके दिखाना था, लेकिन मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि ऐसा होता नहीं है, ठीक है। एक बार हम लोगों ने पुलिस का मान रखते हुए, लॉ एंड ऑर्डर को ये करते हुए, और हम लोग ने कायदा का पालन जो करना था वो हिसाब से सब कुछ किया, लेकिन ये जो वीडियो एविडेंसेस है इसको हम लोग कोर्ट तक लेकर जाएंगे, ये सब दो लोगों का आपसी लड़ाई या फिर दो घट का बात नहीं है, ये आप समझ लीजिए पुलिस स्टेशन को हाईजैक करना, मतलब आपका लॉ एंड ऑर्डर का पूरा स्थिति खराब है, और वहाँ पे प्लानिंग के साथ में, मतलब प्लानिंग पुलिस स्टेशन में ही होता है कि सीसीटीवी कैमरा बंद रहेगा, और मीडिया वाले, अरे सर मीडिया वाले बाहर इंटरव्यू ले रहे हैं, बाहर वीडियो शूट कर रहे हैं, मीडिया वाले को अंदर आने नहीं दे रहे हैं। अब ये भी तो एक घटना है ना, जहाँ पर मीडिया अंदर नहीं आ पा रही है हमसे मिलने के लिए, उनको तक रोक के रखा है उन्होंने, कब्जा किसका है, पुलिस स्टेशन में पुलिस भी मीडिया को अंदर नहीं लेकर आ पा रही है, कंट्रोल किसका है। अब उस दिन का सिचुएशन ऐसा है ना सर, कि मैं पूरा दोष उन पुलिस वालों को नहीं देता हूँ, क्योंकि पुलिस ने तो अपना काम जो था, जितना पावर था, वो हिसाब से हम लोगों को सेफगार्ड करने का पूरा कोशिश किया। लेकिन ये सब के बाद दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे को कंप्लेंट किए हैं, तो अब पुलिस का क्या रवैया है आगे का? सर उन्होंने जो कंप्लेंट दिया है उसके हिसाब से उन्होंने कार्रवाई की, हमने जो कंप्लेंट दी है उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई उन्होंने की नहीं है। मतलब पुलिस भी पक्षपात कर रही है। अब पुलिस के जो वरिष्ठ, मैं बोल रहा हूँ वहाँ के जो विभाग के पुलिस थे उनको नहीं मैं दोष दे रहा हूँ, लेकिन जो ऑर्डर देते हैं ऊपर से जो ऑर्डर आता है सीधा ऑर्डर जो आता है मुख्यमंत्री के, जो लोग मुख्यमंत्री के ऑर्डर का पालन करेंगे, तो उन लोगों ने ऐसा विकट परिस्थिति, आपका 2-1.5 बजे श्रीनगर पुलिस स्टेशन में घटना घट रही है, तो बाकी कमिश्नर और बाकी टीम क्या कर रहे थे? तो एक्स्ट्रा फोर्स तुरंत क्यों नहीं आया वहां पर, और पहले ही उन्हें लाठीचार्ज करके क्यों भगाया नहीं गया? वो 400 भी देने दीजिए ना सर, या 5,000 भी,
पुलिस फोर्स उतना इनकेपेबल है क्या वहाँ पे, हम लोगों को नहीं छुड़ा सकते थे? तो इतना डिले और ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर को ये करते हैं लॉ एंड ऑर्डर। और आने वाले चुनाव में अगर ऐसी परिस्थिति रहेगी तो फिर सब लोगों को ये दिखेगा कि बाबा एक साइड ही पूरा चुनाव होने वाला है, क्योंकि कोई ऑपोजिशन उन लोग खड़ा करने को दे ही नहीं रहे। मतलब जो अपने ऑपोजिशन को पूरी तरह से खत्म करेंगे, आवाज को बंद कर देंगे, मतलब वोटिंग करने भी नहीं देंगे, ये तक वो लोग कर सकते हैं। ये ताकत उन्होंने दिखा दिया। ये ताकत नहीं है, ये पद का गैरव्यापार है, ये ताकत थोड़ी है। सत्य के साथ में आपको अपना आवाज उठाना, ये ताकत होता है। ये तो गली के गुंडों लोगों को लेके आने का पुलिस स्टेशन, वो लोग भी क्या कॉन्फिडेंस में आए थे कि सत्ता अपनी है, पुलिस भी अपना है, अंदर गाली देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन कायदा सबके लिए समान है, उसका डॉक्यूमेंटेशन हमने किया हुआ है, और कायदे के हिसाब से कितने भी साल लगने दो, ये इवेंट, ये जो घटना नरेश मस्के ने प्लानिंग करके किया हुआ है, उसके ऊपर बराबर उसको जो शिक्षा है वो भुगतना ही पड़ेगा। उसका मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि थाने में सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाला कोई नेता रहेगा वो नरेश मस्के है। और मैं ऑन रिकॉर्ड आपके इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि नरेश मस्के ने मीडिया के सामने कुछ और भूमिका रखा है, और मैंने वहाँ पे खुद देखा है कि वो लोगों को उकसा रहे थे और हमें धमकी दे रहे थे। तो एक एक तरह का वो क्रिमिनल माइंड उनका है, तो वो सब लोगों के सामने अभी तक निकल चुका है और आगे भी निकलेगा। और इन्होंने जो जो महानगर पालिके में घोटाले किए वो तो हम हमेशा दिखाते आए हैं, आगे भी दिखाएंगे, लेकिन क्रिमिनल माइंड और गुंडों के साथ में कैसा षड्यंत्र रच के ये काम करते हैं, ये भी आज एक्सपोज हो चुका है। और आगे भी ये यही वृत्ति से काम करते रहेंगे तो हम हर वक्त आक्षेप करेंगे, उनको एक्सपोज करेंगे, और कायदे के चौकट में जो जो उनके ऊपर कलम लगता है उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। धन्यवाद अजय जी। तो ये थे धर्मराज पक्ष के संगठक अजय जया जी, जिन्होंने जो है श्रीनगर में जो वायलेंस हुआ था, शिवसेना वर्सेस शिवसेना यानी शिवसेना विरुद्ध शिवसेना का जो पूरा आपको देखा है, उन्होंने बताया। और इन्होंने आरोप लगाया कि जो वहाँ पर जो हिंसात्मक घटनाएं हुई वो जो एक मुख्यमंत्री के लोगों ने जो किया है, मुख्यमंत्री के इलाके की घटना है, मुख्यमंत्री के लोगों ने किया है, और अभी तक जो कार्रवाई हो रही है इन्हीं के ऊपर हो रही है, और जिसके खिलाफ इन्होंने कंप्लेंट किया था उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। लेकिन आने वाले समय में जो इस तरह से अभी मुंबई के साथ में थाने मनपा का भी चुनाव है, अगर इसी तरह का माहौल रहा तो आगे बड़ी हिंसा देखने को मिल सकती है। इसके लिए थाने शहर में जो है लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है वो पैदा हो सकता है। तो पुलिस और प्रशासन से यही विनती है कि वो जो है सभी पर नज़र रखे, और जितने भी इवेंट हो रहे हैं दोनों पक्षों के, शिवसेना और दूसरी शिवसेना के, उसके ऊपर कड़ाई से जो है पालन का निर्देश दिया जाए। आपसे भी अनुरोध है कि आप अपने कमेंट बॉक्स पे जो है आप अपना ओपिनियन बताते रहिए, और वीडियो पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।